मेरा जायके का सफर इस बार मुझे ले पहुंचा है हिंदुस्तान के सबसे प्राचीन शहर बनारस। गंगा के घाट के किनारे बसे गलियारों से बुने इस शहर के कई फंदों पे सदियों पुराना जायका आज भी परोसा जाता है, और उन्हीं फंदों की 12 मशहूर गांठें आज हम अपनी जुबान से खोलेंगे। कैसी है चाय? अच्छी। और सुबह बनारस की इस पहली दावत में आपका खैर मकदम है। एक दिन ख्वाब में बनारस का एक मंजर सा कौंधा, जैसे काशी की गलियां मुझे बुला रही। हालांकि मैं कभी बनारस गया नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों माजी के ये मंजर सच से लग रहे थे। और उसी सच की तलाश में अगले ही दिन मुझे जो ट्रेन मिली उसी में बैठ के मैं दिल्ली से पहुंच गया शिव की नगरी, हिंदुस्तान के आस्था की राजधानी वाराणसी। फाइनली ऑटो हो गया है। गंगोत्री से पैदा हुई गंगा का सफर 3000 सालों से आबाद इस शहर से गुजरता है, जिसके पहले संगम पे वरुणा और दूसरे संगम पे असी नदी का मेल होता है, और इन्हीं दो नामों को जोड़कर पैदा हुआ 84 घाटों का ये शहर वाराणसी। इसी काशिका में रोशन हुए कबीरदास और रविदास, तो यहीं तुलसीदास ने रामचरित्र मानस भी लिखी। यहीं से पूरे जग में चमका गौतम बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन का पहला उपदेश, तो प्रेमचंद की इसी नगरी में गंगा जमनी तहजीब की शहनाई बजाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। सुर संगीत संस्कृति साहित्य शिक्षा साड़ी और स्वाद के इस बेजोड़ संगम से रोशन काशिका में आज मेरी पहली सुबह है। तारों के पहरे के इस पहर में जब मैं 80 घाट पहुंचा तो काशी की ये आस्था यहाँ पहले से ही टिमटिमा रही थी। दीपक की रोशनी में झिलमिलाते इन सिरों के पीछे मैं सब कुछ बड़ी खामोशी से महसूस कर रहा था। 7 पत्थर की गुलाबी तख्तों पे 7 पुजारी जाफरानी कलबदार रेशमी लिबास पहने देवी गंगा को शुक्राना अदा कर रहे हैं, और मंत्रों के जाप पे घूमती इस आरती को गंगा आरती कहते हैं। आरती खत्म होते होते पूरा शहर जग चुका था, लेकिन एक सूरज था कि ठंड का लिहाफ ओढ़े मस्त सो रहा था। मेरी भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, इसलिए मैंने भी रिक्शा किया और सीधे पहुंच गया चौक, और ठठेरी बाजार के नाम से मशहूर इस गली में मैं जैसे ही दाखिल हुआ, राम भंडार आगे पड़ेगा ना, हर मोड़ के बल पे सदियां टिकी हुई थी, जैसे एक पुरानी तस्वीर को मैंने अभी अभी हथेलियों से साफ किया हो। ठहरे हुए इस वक्त में मैंने बस 50 कदम ही बढ़ाए थे कि राम भंडार से उठ रही घी की खुशबू ने मुझे थाम सा लिया। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है यहाँ पे। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ गौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। सच बोलूं तो बाकी सभी जायकों के मुकाबले मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद यहीं से थी। राम भंडार 1888 में खुली थी। बहुत ज्यादा मशहूर है खैर राम भंडार, और ईश्वर का बुजुर्गों का आशीर्वाद है। लेकिन 1887 की इस बेहद मशहूर दुकान पे जब मुझे बस 2-4 कदरदान ही दिखे तो मुझे थोड़ी मायूसी सी हुई। मैंने रोड से ही 7x7 फीट के पर्दे से अंदर झांका तो जायके का सिनेमा बस शुरू ही हुआ था। और भाप छोड़ती गरम कड़ाई पे जलवा अफरोज थे इस पिक्चर के सबसे अहम किरदार गोलू। तो आप कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गया आपको। आपका नाम क्या है? गुल्लू। गुल्लू, आप भी बनारस से ही हैं? नहीं, आजमगढ़। पीढ़े को अपने पैरों से फंसाए गोलू गोल आटे की लोइयों से गोल गोल पूरियां बेल बेल कर कड़ाही में लगातार एक के बाद एक तैराते जाते।
और जैसे ही ये पूरियां आधी पक जाती वो इन अधपकी पूरियों को एक छन्ने से छानकर अलग रख देते। जो पूरियां तली जा रही हैं, वो देसी घी में तली जा रही हैं। मेरी जुबान से दोबारा पूरी जैसे ही निकला, इस फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे सही करते हुए टोका। इसके अंदर आटे के अंदर उड़द का दाल हम लोग जिसको पीठी बोलते हैं, इस वजह से तो वो कचौड़ी हो गई, पूरी प्लेन होती है। तीसरी पीढ़ी के गुप्ता जी के खुद के कंधे झुके हुए हैं, लेकिन 135 साल पुराने नाम की शान आज और जवान मालूम होती है। वो बड़ी सभ्यता से धीमी आवाज में निगरानी करते करते जायके का टिकट भी काट रहे थे। इधर भीड़ बढ़ने लगी तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। अब कढ़ाई में एक साथ चार की जगह 10 कचौड़ियां एक साथ खस्ता होने लगी। तो मेरा कैमरा दूसरे किरदार की तरफ घूमा, जिसकी जिम्मेदारी सब्जी के साथ कचौड़ियां परोसने की भी थी। इधर खस्ता कचौड़ियां जैसे ही पहला कारीगर कढ़ाई से छानता, ये साहब एक पत्तल पे दो फूली हुई कचौड़ियां रखते और भाप रिहा कर देते। ऊपरी पत्तल जहां टिकता उसमें डाले आलू और चने की खुशबूदार रसेदार गाढ़ी सब्जी, हरी खट्टी चटनी, मीठी लाल चटनी और ऊपर से कसी हुई मूली में गुमनाम गाजर के लच्छे ऊपर से टिका के प्लेट आगे बढ़ा दी। तो यहाँ पहले भी टेस्ट किया है? नहीं नहीं, वो वीडियो देख देख के घूम रहे हैं यार। आप लोगों की वीडियो देखते हैं, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल है और वो छन्ने में ही जलेबी उतारते हैं। इतने में जलेबियों के भी कई ऑर्डर्स एक साथ आए, तो रुमाल नुमा मोटे कपड़े से पहले कारीगर मैदानी से फूल नुमा छल्ले छन्ने के ऊपर ही बनाने लगा। दही होता है उस पर जलेबी उतरती है। जी जी, जगह हमारे पास शॉर्टेज है इसलिए हमने इसी पर से निकाल दे रहे हैं। जलेबियों के इस जाल में जब जाले पड़ गए तो उन्हें कचौड़ियों जितना ही खड़ा किया और जाफरानी रंग की इस चाशनी में इतनी डुबकियां लगवाई कि इस जलेबी पे भी बहुत खूबसूरत नारंगी रंग चढ़ गया। देखते ही देखते द राम भंडार का शो हाउसफुल हो गया और गोलू जी की रफ्तार चौगुनी हो गई, लेकिन वो पूरी महफिल बगैर रुके थमे अपने हुनर के जलवे से संभाले रहे। मेन चीज गरम मसाला होता है जी, अपना रेसिपी है, उसी को गरम मसाला तैयार करते हैं और उसको उसी से हर सब्जी वगैरह में डालते हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और हम भी जायका लेते हैं राम भंडार की कचौड़ी सब्जी और जलेबी का, जो यहाँ का बनारस का ट्रेडिशनल नाश्ता है। इंसान किसी चीज में संतुष्ट नहीं है। जब भीड़ नहीं थी तो मैं इस जगह को हल्के में आंक रहा था और अब जब भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है तो मैं अफसोस करने लगा कि मुझे कचौड़ियां पहले ही खा लेनी चाहिए थी। बेचैन और भूख से बेहाल मैं अपनी प्लेट का इंतजार करने लगा तो तकरीबन 10वीं प्लेट पे मेरा नंबर आया। मैंने शायद एक लम्हा भी नहीं गंवाया होगा और कचौड़ी और सब्जी का निवाला सब कुछ बटोरते हुए मुंह में भर दिया। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। वो जो मीठी और हरी चटनी है ना, उसका भी अपना एक अलग सा मजा आ रहा है इसमें। व्याकुल मन तृप्त हो गया, सच में ये मोक्ष का जायका, सुकून है ऐसे नाश्ते में। इधर मैंने दोबारा सब्जी लेके कचौड़ी समेटी, उधर कारीगर ने गोल कचौड़ियों को गाढ़ी चने की सब्जी के साथ परोसा। मैंने बड़ी उम्मीद से इस भरी हुई गोल कचौड़ियों का पहला जायका लिया। चखता हूँ इसका जायका कैसा है। बहुत जबरदस्त है, लेकिन कचौड़ी की टक्कर की नहीं है। जलेबी के बगैर तो बनारस का नाश्ता ही अधूरा। जलेबी भी, अरे वाह, जलेबी भी यहाँ छोटी छोटी है, खस्ता है, सोनी है। ना पेट भरा ना नियत, वाकई में
ये बनारस का वो जायका है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और जो गरम मसाले की जो बात कह रहे थे ना, वो सही कह रहे थे, वो उसका अपना बहुत जबरदस्त जायका है। बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये पूरा जो है ठठेरी बाजार है, जबरदस्त मकान, माहौल, दुकानें। अलविदा लेके ठठेरी बाजार में ही मैं उस जायके की तरफ बढ़ा जिसके जाफरानी बुलबुलों का पूरा बनारस दीवाना है, और कूजे में कैद इस जायके के समुंदर को मलाइयो कहते हैं। कहते हैं मलाइयो की इजाद काशी में ही हुई थी। सर्दी के मौसम में ग्वालों का तपका खोलते हुए दूध को गंगा किनारे ओस की बूंदों से पूरी रात ठंडा करते हैं, जिस वजह से घंटों मतने पर यह जादुई झाग पैदा होता है जिसे बनारस में मलाइयो, कानपुर में निमिश, लखनऊ में मक्खन मलाई और दिल्ली में दौलत की चाट कहते हैं। लेकिन मेरी जायके की दौलत बस 20 कदम लेते ही आ गई, जो है मारकांदे सरदार की 150 साल पुरानी दुकान श्री जी। नमस्कार सर जी। बहुत ही ज्यादा पुरानी दुकान है आपकी श्री जी। वो देखिए ना, वो बनाते बनाते एकदम जो है ना, जो ट्रेनिंग दिए कि समझिए कि ये तो बनारस में पहला चीज हो गया। नहीं तो कोई इसको जानता नहीं रहा, ना इसके कारीगर थे। आज भी बनारस में कम से कम हजारों लोग बेचेंगे, लेकिन जो टेस्ट, क्वालिटी, वो ढूंढते हुए लोग यहाँ तक आते हैं, ढूंढते हुए आएंगे। ये मलाइया शुरू हुए 70 साल हो गया बनारस में, हमारे कैसे स्टार्ट हुआ है, अब तो बहुत बना के बेच रहे, देख कर फिर भी ऐसा बना नहीं पाएंगे। चॉकलेटी रंग की दुकान के सबसे आगे सजी 200 लीटर की लोहे की इस बड़ी सी कड़ाही से मलाइयो बड़ी तेजी से खाली हो रहा था। ठंड में बनारस की सौगात पे दुकान के मालिक कुछ देर में पिस्ता और बादाम के तराशे हुए कतरों की बारिश कर जाफरान की बूंदों के ओस भी टपकाते और कड़ाही की धार पे दूध की एक धार मार के कड़ाही का कोना साफ कर लेते। मैंने आड़े में बनता है 3 महीने, जितने ज्यादा ओस पड़ेगा उतने बढ़िया स्वाद रहेगा। और इसमें क्या क्या सामान डलता है दूध के अलावा? इसमें केवल इलायची, केसर, पिस्ता बादाम, गुलाब जल डलता है। जैसे मक्खन मताता नहीं है उसी तरह बड़ी बड़ी मछलियाँ इनसे मताती है, तो कुछ दिन आधे एक घंटे बाद उसमें लेयर आती है मोटी मक्खन की, इसमें सैफ्रन, इलायची, केसर मिला के। ग्राहक जैसे ही आता उसको कुल्लड़ नुमा इस बर्तन जिसका बनारसी नाम पूर्वा है, उसमें इस झाग की गाढ़ी परतें काट के पूर्वे के पैमाने को बुलबुलों से ढक देते और उसपे बादाम, पिस्ता का खुरचन और जाफरान की तरी मार के दुकानदार ये जाफरानी जायका लगातार परोस रहा था। तो मलाइयों से तो मलाइयों की बहुत शौकीन है। अरे खाने के लिए आते हैं हम लोग। ये घर है मेरा। ठठेरी बाजार के कुछ निवासी इस अमृत का सेवन लगभग रोज ही करते हैं। उनके मुताबिक ये आंखों की रोशनी के लिए मुफीद है और ओस की बूंदों में अमृत के गुण है। बेचैन कर देने वाला ये जायका जब जबान पे पूरा उड़ जाता है तो दुकानदार उस पूरे पूर्वे को जाफरानी बुलबुलों के अर्क से भर देते हैं। ये 100 ग्राम आता है। ये कितने का है? ये 40 रुपए का है। 60 रुपए किलो रहता है। इसके बाद हंडी है, देखिए इसमें 500 ग्राम आता है। ये ताजी मलाई है। ये केसर पड़ा है। अरे वाह, क्या बात है। अब आप थोड़ा सा पहले खाइए। अच्छा, ये मलाई ऊपर से लेगी। वाह भाई वाह। दुकान के मालिक ने मेरे पूर्वे में भी मलाइयों के बाद मलाई की एक परत बीच में छुपाई और बड़ा सा ठंडा पूर्वा मेरे हाथों में थमा दिया। थैंक यू। मैंने जैसे ही इसका पहला जायका लिया बुलबुले उड़ से गए। दो चार चम्मच के बाद मेरे चेहरे की खुशी और आंखें फैलने लगी। खाने के बाद ये दूध देखिए फ्री। हाँ, अच्छा। तो मलाई ढूंढनी जाए कहाँ गई है। ये रही मलाई। ये
वाह। लेकिन पूरा एहसास अधूरा सा लग रहा था। केसर भी, वाह भाई वाह। और जब दूध को मैंने होठों से लगाया तो रोम रोम गुदगुदा गया। अब जाके मुझे सुकून मिला। वाह वाह वाह, इस जायके ने मुझे हैरान कर दिया। वाकई ये जन्नत का जायका है। मैंने सोचा कुछ तो बात है इस इलाके में जो इतना सुकून महसूस हो रहा है। कहीं पुराने मकानों के कदमों पे सब्जी मंडी सजी थी, तो कहीं भगवान की तस्वीरों से रंगे गलियारे। आस्था में भीगा ये मोहल्ला मंदिरों के साये में आबाद था। कुछ लोग पूजा कर रहे थे तो कुछ पेट पूजा। हल्के कदमों से टहलते हुए मैं ये तिलिस्मी गलियां भेदते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि इन मसालेदार आलुओं पे नजर पड़ते ही मेरी राल सी टपक गई। और यहाँ परोसा जा रहा है छोटी छोटी हींग की कचौड़ियों का नाश्ता। धर्म राय गुप्ता, चना और कचौड़ी नाश्ता है सुबह का ये। और ये मसालेदार आलू, दम आलू मसालेदार, दम आलू मसालेदार। अच्छा, छोटी छोटी कचौड़ियाँ, ये यहाँ इसका चलन है यहाँ पर। कब से लगा रहे हैं दुकान? यहाँ हो गया कम से कम 20 साल। छोटी सी इस रेड़ी पे बड़ी बड़ी मूछों वाले धर्मराज गुप्ता जी ये नायाब जायका इसी ठिए पे 20 सालों से मुस्कुराते हुए परोस रहे हैं। कचौड़ियां में खुद ही घर पे बनाते हैं आप? जी। अरे वाह। मैंने अपने लिए एक प्लेट मांगी तो रेड़ी के मालिक ने तिजोरी नुमा कैनिस्टर से दो छोटी अशरफी नुमा कचौड़ियों को निकाल के एक चांदी की प्लेट में कुरकुरा दिया और ऊपर से डाली शोरबेदार आलू और काले चने की सब्जी, उसके ऊपर टमाटर की चटनी और लटपटे आलू और मटर की ये मसालेदार सब्जी ऊपर से सजा के आखिर में इन्होंने भी कसी हुई मूली ऊपर से टिका दी। ठंड में आलू का अपना एक अलग ही जायका होता है, नए आलू का। और ये रही कचौड़ी, चने और आलू का साथ में लेती हूँ। आलू में वाकई एक जादू सा था, मजा आ गया। वाह भाई वाह। ये जो छुपे हुए जायके हैं जिनका कोई बोर्ड नहीं, जिनका कोई नाम नहीं, वो 200 साल से यहाँ पर ये जबरदस्त जायका परोसते हैं बनारस का। तो बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। जायकों की तलाश में मैं कभी इस गली मुड़ता तो कभी दूसरी। थोड़ी देर में मैं काल भैरव मंदिर होते हुए आगे बढ़ा तो खुद को फिर से रोड पे खड़ा हुआ पाया। सुबह की चाय के तलब ने थका सा दिया था। मेरी इस बात से अब तो आप समझ ही गए होंगे मेरी अगली मंजिल कौन सी है। लक्ष्मी चाय वाले यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और चलने की मेरी हिम्मत है नहीं, इसलिए मैंने रिक्शे वाले भैया को रोका और रिक्शे में बैठ के आगे बढ़ गया। उसकी सवारी किसी झूले की तरह कभी तेज भागती, कभी धीमे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे। वक्त नुमा इन गलियों के पन्ने पलटते हुए मैं घूम के वापस पहुंच गया चौक। जहां हर कोने में जायके बिखरे हुए थे, भीड़ टिमटिमा रही थी और बनारस जग के इन गुलाबी दहलीजों में अब गश्त करने लगा था। और इन्हीं गुलाबी इमारतों के बीच इस अंधेरे से गलियारे में सुर्ख कोयले बाहर से ही चमक रहे थे। जहाँ 70 सालों से उठती है सोंधे टोस्ट की खुशबू और चाय के भाप से धुंधला गई ये दुकान ही मेरी मंजिल लक्ष्मी चाय वाला है।
लक्ष्मी चाय वालों को दो हिस्सों में बांटती इस गलियारे में ही लोहे के तीन पतले पतले ड्रम नुमा भट्टियों में कोयले पूरी शिद्दत से दहक रहे थे, जिसकी एक भट्टी पे दूध कड़ रहा था तो दूसरे पे चाय, और सबसे अनोखी चीज तीसरी भट्टी पे सिक रही थी, जिसने सबसे पहले मेरा ध्यान खींचा था, और वो था ये ब्रेड को कोयलों पर टोस्ट करने का अनोखा तरीका। लक्ष्मी चाय वाले की शुरुआत कब से हुई है? आज 17 साल हो गया। और शुरू से ही टोस्ट और चाय बन रही है? यही आइटम। आपके पिताजी थे, उनका नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण चौधरी। कारीगर ने पहले तारों की इस जाल में 8 छोटी मगर सेहतमंद ब्रेड स्लाइसेस को एक साथ फंसा के कैद कर दिया, और पंखा हाँकने की हरकत को नकल करते हुए कोयलों की गर्मी को उनमें कैद करता रहा, तब तक जब तक उस पे एक सुनहरी परत नहीं चढ़ गई। तो ये टोस्ट कितने का है? 40 रुपीस का सर, मलाई वाला 60 का। और जैसे ही ब्रेड का दूसरा हिस्सा कुरकुरा हुआ, उसने सभी स्लाइसेस पे मलाई की एक दोहरी परत चढ़ाई और उस पे बर्फीली शक्कर चमकाते हुए मेरे कहे बगैर ही दो स्लाइसेस मेरे हाथों में थमा के कहा, फौरन खाइए वरना मुलायम हो जाएगा। मैंने भी भट्टी की गर्मी के बगल में ही बर्फ से सफेद इस टोस्ट का दूधिया जायका लिया। अब देखते हैं छोटी सी ब्रेड में कितना जायका बना हुआ है। वाह। इधर मैं मलाई टोस्ट का लुत्फ ले ही रहा था कि इस दुकान के सबसे पुराने कारीगर ने लुंगी समेटते हुए चाय की तैयारी फिर से शुरू कर दी। और यहाँ तैयारी हो रही है साथ में चाय बनने की भी। यहाँ चाय बनाने का अंदाज बहुत सादा है। उसने खालिस दूध में इलायची और खास किस्म की चाय पत्ती डाल के कोयलों की भट्टी पे पकाना शुरू कर दिया। यहाँ नहीं, सेकंड टाइम है। कैसा लगा आपको यहाँ का एक्सपीरियंस? टोस्ट पसंद आया, चाय पसंद आई? और बोलती और हमको और मलाई, अभी मेरा मन नहीं बना। तो मलाई टोस्ट या मक्खन वाला टोस्ट? मलाई वाला ज्यादा पसंद है। कैसी चाय? उधर इस पहले कारीगर ने फिर से 8 ब्रेड के टुकड़ों को बड़े तजुर्बे से आंच पे फिर से मुलाकात करवानी शुरू कर दी, और इन मुलाकातों का सिलसिला हजारों ब्रेड के टुकड़ों के साथ यहाँ रोज होता है, लेकिन जलता एक भी नहीं है। पुख्ता सुनहरा रंग लाने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है। देखने में आसान मालूम होता है, लेकिन है बहुत मुश्किल। अमूल मक्खन भैया का सफेद मक्खन, देसी मक्खन, वो अपना बनाया हुआ है। इस बार इस कारीगर ने नई हरकत की और ब्रेड की सौंधी परतों के बीच एक चाक लगा के उसने ये सफेद मक्खन से ब्रेड के पेट को पूरी तरीके से भर दिया। ये चाकू कुछ स्पेशल तरह का है क्या? आगे की भी धार है क्या? ऊपरी परत है वो पूरी तरीके से सौंधी नहीं की गई है, लेकिन हाँ सुनहरी हो गई है। अब इसके अंदर सफेद मक्खन डालने के बाद अब इसको जो है दोबारा टोस्ट करेंगे ताकि मक्खन जज्ब हो जाए और ब्रेड और कुटे। तैयार होते ही एक बार फिर इन्होंने ऊपर से काली मिर्च का तड़का मार मेरे हाथ में ये भरवां दमपुख टोस्ट थमा दिया। चाय अभी भी तैयार नहीं, इसलिए मैंने इसका भी जायका फौरन ही लिया। और ये इसके अंदर सफेद मक्खन डाल करके धीरे 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 तब तक सेकते हैं जब तक ये ऊपर की लेयर कुरकुरी और खस्ता ना हो जाए। अमूल मक्खन, अमूल मक्खन 35 का है और वाइट मक्खन 40 का। ठीक, जो अंडरग्राउंड आपको खिलाए वो 50 रुपीज़ का है। पुराने ग्राहक हमारे अभी भी आते हैं, 30-40 साल से आ रहे रेगुलर। करीब हम लोगों को यहाँ बाल्यावस्था से लेकर ये अवस्था तक आ गई, हम लोग कम से कम 30 साल के यहाँ ग्राहक, इनके पिताजी के समय के हम लोग कस्टमर हैं। इधर लुंगी वाले कारीगर ने एक टीपैन से चाय फेंटना शुरू कर दिया। बड़े इत्मीनान और तजुर्बे से बनती है ये सौंधी लक्ष्मी की चाय। लक्ष्मी चाय वाले के नाम से ये दुकान बड़ी मशहूर है, कोने कोने से लोग आते हैं। अभी तो कुछ नहीं है, सुबह आप 4 बजे आइए, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इतनी भीड़ आपको मिलेगी। बच्चों के राज में तो कुछ नहीं है, नहीं तो यहाँ 4-4 भट्टियाँ बड़ी बड़ी, ये मक्खन टोस्ट सेकने के लिए, पारोटी सेकने के लिए यहाँ पर 4-4 भट्टियाँ और कम से कम 8-8 नौकर लगते थे। एक हटता तो एक सेकता था, एक हटता था तो दूसरा सेकता था।
इत्मीनान से चाय पीने की नियत से मैं दुकान की सीढ़ियां चढ़ बेंच पे बैठ गया तो पूर्वे में मेरी चाय भी परोस दी गई। मैंने चाय की पहली दमदार चुस्की ली तो कहीं मुझे सुकून मिला। जबरदस्त चाय भाई। चाय की चुस्कियों पे गुफ्तगू का सिलसिला कुछ देर यूं ही चलता रहा, फिर मैंने बनारस के इस पहलू से भी अलविदा लिया। और काशी विश्वनाथ मंदिर होते हुए मैं मणिकर्णिका घाट के पीछे अनगिनत गलियारों में जानबूझकर गुम सा हो गया। मैं सुध-बुध खोए बनारस की इन गलियों से गुजरते हुए जाने कब कचोड़ी गली में दाखिल हो गया। कचोड़ी का तो पता नहीं, लेकिन मणिकर्णिका घाट की तरफ मैं जैसे ही मुड़ा, ब्लू लस्सी का नीला बोर्ड मेरे सामने आ गया, जो थी मेरे जायके की इस सफर की अगली बेहद मशहूर मंजिल। कचोड़ी गली में हमेशा रश लगा रहता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बड़ी मुश्किल हो जाती है, यहाँ पर एक कदम रख करके खड़े होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। पतली सी इस दुकान में दाखिल होते ही सीढ़ियों से जुड़ी ऊंची सी नीले रंग से ढकी ब्लू लस्सी की दुकान में दुनिया भर से हजारों चाहने वालों ने इन नीली दीवारों पे पासपोर्ट साइज तस्वीरों से अपनी मोहब्बत की मुहर लगा रखी थी, जो यहाँ अब एक दस्तूर सा बन गया है। और ये सामने बड़ी सी तस्वीर है पन्ना लाल यादव जी की, जिन्होंने इस दुकान को 90 साल पहले शुरू किया था। तब ये दुकान पन्ना लाल यादव लस्सी वाले के नाम से जानी जाती थी। तो आखिर इस जगह का नाम ब्लू लस्सी पड़ा कैसे? ये सवाल मैंने बड़ी शिद्दत से लस्सी मत रहे इस दुकान की तीसरी पीढ़ी से पूछा तो पोनीटेल बांधे बड़े संयम से बैठे चंचल यादव ने ठहरने का नरम इशारा किया और लस्सी के कुल्हड़ों में रंगों का जादू भरने लगे। ये यहाँ बना रहे हैं ड्राई फ्रूट लस्सी। इन्होंने सबसे पहले दही की परतें अंदाजे से काट के इस स्टील के कलश में चीनी डाल भारी मथनी से बड़े इत्मीनान से मथा और सामने सजे पूर्वों में एक एक करके गाढ़ी लस्सी इन मिट्टी के कूजों में कमर तक भर दिया और साबुत काजू और बादाम के कतरनों से भर के सब कुछ एक साथ फेंट दिया और ऊपर बाकी लस्सी की तय लगा के एक परत रखी मलाई की। जाफरान छिड़क के फिर से बादाम पिस्ता और काजू की ऊंची परत पूर्वे के सिर से ऊपर चढ़ा के आगे बढ़ा दी। ठीक इसी तरह बनाई जाफरानी लस्सी, अनार लस्सी के साथ साथ मिक्स फ्रूट लस्सी भी ये लगातार बड़े इत्मीनान और ठहराव से समय की परवाह किए बगैर किसी जौहरी की तरह एक एक नक संभाल के जड़ रहे थे। 150 लस्सियों के जायके से भरे इस मेन्यू को देते हुए चंचल यादव जी ने सिर्फ एक ही बात कही, इसकी तस्वीर मत खींचिएगा। एक हमारी कर दीजिए सैफरन लस्सी और एक कर दीजिए मिक्स फ्रूट लस्सी। उन्होंने पलक झपकते ही इस मेन्यू को मेरे हाथ से समेट दिया और फिर पहले ब्लू लस्सी का किस्सा परोसा। साउथ कोरिया की गर्ल आई थी, ठंड के मौसम में आई थी, पिताजी यहाँ पर बैठे हुए थे, उसने बोला कि एक कमरे को लस्सी आपके यहाँ बिकनी चाहिए, ठंड में क्यों आप ऐसे बैठे हुए हैं। उसने अंदर आया, एक प्लेन लस्सी पिया उसने और कलर ब्लू था, उसने अपने साउथ कोरिया में जाके साउथ कोरिया के गाइड बुक में नाम दिया ब्लू लस्सी शॉप। अरे वाह। जिसकी शोहरत साउथ कोरिया में इतनी फैली कि तब से ब्लू लस्सी शॉप के इस नीले बोर्ड पे कोरियन में भी ब्लू लस्सी लिखा जाता है, जिसे लोनली प्लैनेट से लेके नेशनल ज्योग्राफिक ने भी दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाई। माय ग्रैंडफादर आल्सो द मूवी एक्टर। अरे वाह लवली। लास्ट मूवी यहाँ सनी देओल जब आया था, खाटक पिक्चर की शूटिंग हुई थी इसी शॉप पे, सनी देओल के गुरु बने हुए थे कुश्ती के। अच्छा, अरे वाह। बड़े फख्र से चंचल यादव ये कहानी बताते हुए मेरी दोनों लस्सी के खाली पूर्वे बाकी ग्राहकों के साथ रख दिए। यहाँ कुछ कुल्हड़ों में बन रही है सैफरन लस्सी तो कुछ में
मिक्स फ्रूट लस्सी। खाली कुल्हड़ों को लस्सी से आधा भर इस नौजवान ने सफेद लस्सी के माथे पे गाढ़े जाफरानी रंग का तिलक चार कुल्हड़ों पे लगाया और बाकी दोनों के लिए बगल में रखी इस नीली तिजोरी से अलग अलग रंग के कसे हुए फलों की ठंडी रंगीन तश्तरियां बाहर निकाली। मुझे इनके इस अनोखे अंदाज में थोड़ी हैरानी तो हुई जब इन्होंने अनार के दानों के साथ कसे हुए अमरूद, सेब, अनन्नास और पपीते के जाफरानी लच्छों के साथ लस्सी को फेंट दिया। वाह, देख के ही मजा आ गया। और जाफरान वाले कुल्हड़ में सब्ज पिस्तों के जादू से भर के उसे भी फेंट दिया। और मिक्स फ्रूट लस्सी के कुल्हड़ की गोलाई पे कसे हुए सारे फलों की एक रंगोली सी बनाई। इनकी कारीगरी पे मैं नजरें टिकाए सोच रहा था कि इतनी नजाकत और अदबो आदाब वाली लस्सी तो मैंने कहीं नहीं देखी। और उस पे अनार के दाने जड़ के बर्फीले नारियल का बुरादा डाल एक परत चॉकलेट पाउडर की भी चढ़ाई। पूर्वा हाथ में आते ही काफी बड़ा और भारी महसूस हुआ। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त जायका है। ये है जबरदस्त। यहाँ पर मैंने काफी वक्त गुजारा क्योंकि राम नाम सत्य है का सत्य हर 5 मिनट में यहीं से गुजर रहा था। और सत्य की एक झलक के लिए डरे हुए कदमों से मणिकर्णिका घाट की तरफ बढ़ा जिसे महाशमशान भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की एक मान्यता के मुताबिक भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती के कान का एक कर्णफूल इसी जगह पे गिरा था जो फिर कभी नहीं मिला। इसलिए इस मणिकर्णिका घाट पे जलने वाली चिताओं को जीवन मृत्यु के चक्र से आजाद होकर मोक्ष की प्राप्ति का वरदान है। करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई इसलिए धुएं के साए में लपटों से बहुत दूर जीवन के इस सत्य से मैं दूर से ही वाकिफ हो रहा था और आस्था से लबरेज मुस्कुराते हुए इन चेहरों के बीच तकरीबन तीसरे पहर तक गंगा के इस घाट पे पानी को ताकते हुए ख्यालों की कुछ डुबकियां मैंने भी लगाई। तुझे ढूंढूं गुमसुम सा या फिर तुझ में ही गुम हो जाऊं, जो तू नारंगी हो तो मैं भी केसरिया सा हो जाऊं, तू बलखाए जिस मोड़ पे वो मंजिल भी बन जाऊं, तेरे इश्क में ऐ काशी ए बनारस हर एक कतरा घुल जाऊं, हंसूं दौड़ूं उड़ूं तेरे इस ख्वाब में सब कुछ भूल जाऊं, तुझे ढूंढूं गुमसुम सा या फिर तुझ में फिर से गुम हो जाऊं, तेरे इश्क में ऐ काशी ए बनारस हर एक कतरा घुल जाऊं। के बाद भी तुम संभाल नहीं पाओगे और हमारे ही आंचल में आकर के रोओगे। घाट की इस नायाब दुनिया के हर पहलू का लुत्फ लेते हुए मैं एक घाट से दूसरे घाट पे बढ़ रहा था कि मेरी नजर इस सुनसान और खामोश खूबसूरत गुलेरिया कैफे पे पड़ी। मैं यहाँ सामने से वॉक कर रहा था, शाम की वॉक, और इस वक्त तकरीबन 4:30 बज रहे हैं और मुझे यहाँ पर एक गुलेरिया कोठी की प्रॉपर्टी मिली है गंगा घाट के सामने। क्या खूबसूरत सा कैफ़े है, और पूछते हैं अभी कैफ़े खुला हुआ है कि नहीं। अच्छा, कॉफ़ी मिल रही है, कैपेचिनो दीजिए आप, ठीक है। मैंने सोचा इतने खूबसूरत कैफ़े से इतने खूबसूरत मंजर के बीच कॉफ़ी तो बनती है। मैंने अपने लिए कैपेचिनो और पनीर सैंडविच मंगवाया तो वेटर ने सामने ही इस किचन में मशीन से फ्रेश कॉफ़ी बनानी शुरू कर दी। कॉफ़ी की भाप की खुशबू ने मेरे मन को इस ठंड में सहलाया तो उधर पनीर सैंडविच भी तैयार हो गया। और मेरे बैठते ही नीली वेस्टकोट से सजे इस वेटर ने
कॉफी मेरी टेबल पर परोस दी। मैं बैठकर गंगा को निहारते हुए जिंदगी की इस नेमत का लुत्फ ले रहा था। इतने में मेरे दो सब्सक्राइबर्स मुझे वहां देखकर थोड़ा हैरान हुए, तो मैंने कॉफी की दावत उन्हें भी दे दी। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बातों बातों के सिलसिले में जाने कब शाम हो गई और गुलेरिया कैफे की जुगनू नुमा लाइट भी जल गई और सूरज भी बुझने को तैयार हो गया। मैंने सबसे अलविदा लिया और तैरते हुए निकल पड़ा उस घाट की ओर जहां ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ के लिए 10 अश्वों की बलि चढ़ाई थी। तभी से इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ गया। सूरज के डूबते ही दशाश्वमेध घाट का भव्य रूप जगमगाने लगा और ये पूरा घाट गंगा आरती के लिए भीड़ से पूरी तरह घिर चुका था। आरती लफ्ज संस्कृत जबान के लफ्ज अरात्रिका से पैदा हुआ, जिसके माने अंधेरे को दूर करने वाली रोशनी है। इधर अंधेरा होते ही गंगा आरती रोशन हो उठी, जहां 7 पुजारी 7 तख्तों पर घंटों की ठनक पे मंत्रों का जाप करते करते आरती कर रहे हैं। ये गंगा आरती 5 तत्वों से पूरी की जाती है। गंगा नदी की ओर रुक करके सबसे पहले सुरा गाय के पूंछ से बने इस चावन को हाका जाता है, जो पहला तत्व आकाश की नुमाइंदगी करता है। फिर 7 पुजारियों ने मोर के पंख को एक ही लय में हिलाते हुए हवा के तत्व को शामिल किया। फिर 7 मंजिला दीपों की गंगा आरती को एक साथ घुमाते हुए अग्नि के तत्व को पूरा किया। अगरबत्ती से खुशबू घुमाते हुए गंगा के जल से पानी का तत्व और आखिर में फूलों की पंखुड़ियों की बारिश करते हुए जमीन यानी पृथ्वी के आखिरी तत्व के साथ गंगा आरती मुकम्मल हुई। अंधेरे की आगोश में मैं ठंड में सिमटता हुआ काशी के हर मंजर का लुत्फ लेते हुए अपने होटल की तरफ रवाना हो गया और पंचगंगा घाट पे उतर के मैंने कुछ कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए ही थे कि बनारस के इस मशहूर लेमन टी की भाप केतली से निकलती हुई दिखी, तो मैं वहीं रुक गया। इसमें रखे हुए कोयले और ये बन रही है बनारस की मशहूर लेमन टी। काला नमक है, जीरा है, सब चीज है। इसका जायका बिल्कुल चाय की पत्ती वाली गरम शिकंजी का है, मजेदार और अनोखा। पंद्रह घंटों के बाद घूमते घूमते मैं फिर उन्हीं गलियों से गुजरते हुए ठठेरी बाजार होते हुए वापस पहुंच गया चौक। मैं जा रहा हूं अब आराम करने, क्योंकि कल मैं आपको बनारस के उस पहलू से रूबरू करवाऊंगा जिसे बनारसी साड़ी कहते हैं। पहले ये जगह बर्गर किंग के नाम से थी, है ना? Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. और शगुन के इस सफर में कुछ और नायाब जायकों से मुलाकात हुई। इस सफर में आप जरूर शामिल कीजिए। तब तक के लिए सत्यत सलामस्ते। ये पूरा सेट कितने का हुआ? सवा लाख। And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need.